श्रद्धावान व्यक्ति दान करेंगे तो भी बहुत श्रद्धा पूर्वक त्याग पूर्वक अच्छे से कर पाएंगे, वो किसी से नहीं डरेगा। शील पालन करने वाला व्यक्ति, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। धम्मं चरेषु चरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्म संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बुद्ध होने के बाद जब से श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने जैतवन बुद्ध विहार दान दिया, विशाखा महा उपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिया, तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु यही श्रावस्ती में बनाया। श्रावस्ती उन दिनों में बहुत ही समृद्ध नगर, कौशल देश के राजधानी वो श्रावस्ती नगर। कौशल देश के मंत्री उग्र राजा एक बार भगवान बुद्ध के पास आते हैं और भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान ये श्रावस्ती के मृगार सेठ, मृगार सेठ कितना महाधनी है, कितना महाभोगी है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, क्या वो इतना ही महाधनी है, क्या वो इतना ही महाभोगी है क्या? फिर तथागत बुद्ध को वो उग्रराज मंत्र कहते हैं, भगवान 40 कोटि का धन, सोने चांदी हीरा मोती 40 कोटि का धन तो जमीन के नीचे ही गाट के रखा है, बाकी जो प्रयोग में लाए हुए सोने चांदी हीरा मोती का तो क्या कहना, वो कितना महाधनी है, वो कितना महाभोगी है। फिर तथागत बुद्ध वो उग्रराज मंत्री को कहते हैं, हे उग्रराज वो मृगार से था महाधनी है नहीं है मैं नहीं कहता, वो मृगार से था महाभोगी है नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता, मगर जिस चीज के लिए इसको महाधनी महाभोगी कह रहे है वो धन कभी भी कहीं भी कैसे भी खत्म हो सकता है। दुनिया में 5 तरह से वो धन संपत्ति का विनाश हो सकता है। पहला आग में जल के राख हो सकता है, दूसरा पानी में बह के भी खत्म हो सकता है, तीसरा शत्रु षडयंत्र करके भी खत्म कर सकता है, चौथा चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, और पांचवा ये सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। और वो जो भौतिक धन संपत्ति है जब तक हम सदुपयोग करेंगे, अच्छे से अच्छे जगह पे प्रयोग करेंगे तब तक ही अपना है, नहीं तो वो धन संपत्ति हमारे लिए और ज्यादा प्राण घातक शत्रु उत्पन्न कर सकता है, बहुत डेंजर हो सकता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये भौतिक धन संपत्ति देख के महाधनी महाभोगी नहीं कह सकता। तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में जिसके पास 7 तरह का आर्य धन रहेगा मैं उसी को महाधनी कहता हूँ, उसी को महाभोगी कहता हूँ। अच्छा वो 7 आर्य धन वो क्या है? फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सद्दा धनं शील धनं हिरियोतपियं धनं सुत धनं च चागो मे पन्यावे सत्तमं धनं। श्रद्धा धन, शील धन, हिरि धन, ओतप धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा धन, ये 7 आर्य धन जिसके पास रहेगा वो दुनिया के सबसे
महाधनी सबसे महाभोगी। श्रद्धा धन बोले तो श्रद्धा में परिपूर्ण होना, बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास होना, कर्म कर्म फल के प्रति विश्वास होना, चार आर्य सत्य प्रति विश्वास होना, और वो भी अखंड विश्वास, दृढ़ रूप से विश्वास होना, ये श्रद्धा धन हो गया। शील हमेशा पालन करना, शील धन में परिपूर्ण हो गया। पाप करने में अंदर से जो लज्जा आता है, शर्म आता है, वही धन हो गया। पाप करने में अंदर से जो डर त्रास उत्पन्न होता है, वो भय धन हो गया। बहुत सारे ज्ञान से परिपूर्ण होना, बहुश्रुत होना, वो श्रुत धन हो गया। दूसरों के हित उपकार के लिए हमेशा दान देने के लिए तैयार होना, वो त्याग धन हो गया। और अच्छे बुरे की अच्छे से पहचान करके बैठना, वो प्रज्ञा धन हो गया। तथागत बुद्ध कहते हैं ये सप्तरत्न आर्य धन जिसके पास रहेगा वो कभी भी गरीब नहीं होगा, कभी भी दरिद्र नहीं होगा, बल्कि दुनिया के सबसे महाधनी महाभोगी वही कहेगा। ये मंत्र को तथागत बुद्ध समझाते हैं। तो ये सात आर्य धन हमें कमाना चाहिए। ये भौतिक धन संपत्ति तो जब तक हम है तब तक ही है, जब तक हम उसको सदुपयोग करेंगे तब तक ही हमारा साथ देगा, नहीं तो भाई भाई बहन बहन में भी शत्रुता बहुत सारे दुश्मनी पैदा कर देता है। तथागत बुद्ध जहरीला सांप की तरह है बोलते हैं, अगर धन संपत्ति को सदुपयोग करना नहीं आया तो। और ये धन संपत्ति भी कभी भी कहीं भी खत्म हो सकता है, इसलिए ये धन संपत्ति के लिए हमें जीना नहीं, धन संपत्ति प्रयोग करके पुण्य कार्य हो ये हमें देखना है। क्योंकि तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि छो मनुष्य पति लाभ हो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। दुनिया में जितने भी प्राणी है वो सारे प्राणी जगत में जीव जंतु पशु पक्षी पंछी कीट पतंग जितने भी है सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, ये जीवन को अच्छे पुण्य कार्य में आगे बढ़ा के सदुपयोग करके सफल सार्थक बनाना चाहिए। गलत काम करके व्यर्थ में नहीं गवाना, पाप का भागीदार नहीं बनना। तो तथागत बुद्ध जो सात आर्य धन की बात करते हैं उनमें से पहला धन श्रद्धा धन। श्रद्धा में परिपूर्ण होना चाहिए। श्रद्धा धन परिपूर्ण होने के लिए चार चीजों में हमें विश्वास होना चाहिए। त्रिरत्न के प्रति, त्रिरत्न बोले तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति, फिर आर्य सत्य के प्रति, आर्य सत्य बोले तो दुख, दुख का कारण तृष्णा, तृष्णा मुक्त निर्वाण, और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग या शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। इसमें और कर्म फल में विश्वास होना चाहिए, अंदर से विश्वास होना चाहिए, तब श्रद्धा धन परिपूर्ण होता है। तो श्रद्धा तो हर चीज में चाहिए, श्रद्धा रहा तो कोई भी काम एकदम वीर पराक्रम के साथ कर पाएंगे। तो बौद्ध जगत में वांग्मय में एक उदाहरण आता है कि श्रद्धा क्या करता है। कोई दूर गांव से एक शहर की तरफ जा रहा था, और जाते जाते शहर पहुंचते पहुंचते वहां बहुत बड़ा नदी बह रहा था, और बहुत बड़ा नदी बह रहा था वहाँ पार करने के लिए न कोई नाव है न कोई पुल है, जाना तो नदी से ही है। अभी नदी कहाँ कितना गहराई है उसको पता नहीं, वो दूर गांव से आए तो वहाँ बैठे बैठे अभी कैसे पार करे कैसे पार करे करके वो वहीं बैठा रहता है। ऐसे में कोई स्थानिक व्यक्ति, वही शहर के व्यक्ति कहीं से जाके आए और उसने ऐसा कपड़ा ऊपर किया और कहाँ कहाँ से गहराई नहीं उसको पता है, वो वहाँ वहाँ से आराम से नदी पार करके वो चला गया। तो वो नए इंसान वो देखते रहते, अच्छा यहाँ से गहराई नहीं है तो वहाँ से इस तरह से गया तो मैं भी जा सकता हूँ। तो उसने क्या किया, मैं भी वैसे जाऊंगा, कपड़ा ऊपर किया और वो जहाँ जहाँ से गया वहाँ वहाँ से जाते 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 वो नदी पार कर लेता है। जिस तरह दूसरे को देख के उसमें भी हिम्मत आ गया कि यहाँ गहराई नहीं, यहाँ से मैं इस तरह पार कर सकता हूँ, वो पार करता है। श्रद्धा का काम भी वही है।
दुनिया में दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते चलते न केवल सैकड़ों, न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों करोड़ लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया, चाहे वो श्रोतापति हो, सकृतागामी हो, अनागामी हो, अरहत हो। न केवल बुद्ध, बहुत सारे लोगों ने ये दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। तो इसका मतलब हम भी वो मार्ग पे चलेंगे तो हम भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम भी वो मार्ग पे अच्छे से चलेंगे तो हम भी दुख मुक्त हो सकते हैं। श्रोतापति, सकृतागामी, अनागामी, अरहत फल प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो श्रद्धा यही काम करता है। दूसरे ने प्राप्त किया ना, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति दान करेंगे तो भी बहुत श्रद्धा पूर्वक, त्याग पूर्वक अच्छे से कर पाएंगे, वो किसी से नहीं डरेगा। शील पालन करने वाला व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शील पालन किया तो एकदम दृढ़ रूप से पालन करेगा। कभी मौका मिला, चलो आज एक बार हिंसा कर लेंगे, आज एक बार चोरी करेंगे, आज एक बार व्यभिचार करेंगे, आज एक बार झूठ बोलेंगे, आज एक बार नशा पदार्थ सेवन करेंगे, नहीं। श्रद्धावान व्यक्ति कितना भी मौका मिले, कितना भी माहौल बने, वो पाप नहीं करेगा, शील को अच्छे से पालन करेगा। और वैसे ही ज्ञान भावना करने में श्रद्धा हो गया तो चाहे कितना भी काम आ पड़े, चाहे कितना भी जिंदगी में व्यस्तता रहे, किसी का अपना ही दुकान है, किसी का अपना ही बिजनेस है, किसी का ऑफिस है, ये वो दुनियादारी चलता रहेगा, पर अपने समय होने के बाद 6 महीने में एक बार, साल में एक बार वो बरोबर टाइम निकाल के मेडिटेशन जाएगा ही, और हर दिन सुबह शाम जो मेडिटेशन बैठने का काम वो भी करता जाएगा। श्रद्धा उसमें बल देता है, इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धावान होना जरूरी है। श्रद्धा में हमेशा प्रज्ञा भी होना चाहिए, विवेक बुद्धि भी होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं पञ्ञावन्त स्वयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावान लोगों के लिए है। प्रज्ञा नहीं रहा ना, दान देने में भी सही जगह पे दान नहीं दिया तो उसका पुण्य मिलना तो दूर, कभी कभी पाप का भागीदार भी हो सकता है। शील पालन करना पुण्य है, पर शील पालन करने के नाम पे कभी कभी दुशील भी पालन करके बैठते हैं। ध्यान भावना करना अच्छी बात है, पर कभी कभी प्रज्ञा नहीं रहा तो वो करना एक तरह से, वो दूसरे तरह से करते करते कभी कभी क्रैक हो जाता है, कभी मेंटालिटी असंतुलन हो जाता है। इसलिए प्रज्ञा होना जरूरी है, दान देने में हो, शील पालन करने में हो, ध्यान भावना करने में हो। और श्रद्धा में भी प्रज्ञा नहीं रहा ना, श्रद्धा में प्रज्ञा ना होना मतलब वो अंधविश्वास हो जाता है, वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, वो अंध परंपरा हो जाता है। इसलिए प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। अभी इतना दुर्लभ जीवन है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जैसे ये कुणाल बिजनेस कर रहा है, कोई एक व्यक्ति बिजनेस करता है किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए ना, कोई नुकसान के लिए बिजनेस करता है क्या? बिजनेस करने के लिए इसमें खर्चा, उसमें खर्चा, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो सारा लॉस करने के लिए बिजनेस करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं? मुनाफे के लिए। अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे, कोई एक व्यक्ति कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करके, या सपोज उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और उसने एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया, और काम करते 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 एक साल हो गया, एक साल के बाद तो हिसाब किताब करेगा ना, और एक साल बाद उसने सारा हिसाब किताब किया, जिस जिसने काम किया सबका पगार दे दिया, ये दे दिया, वो सारा हिसाब किताब करके एक साल में 10 लाख में शुरू किया था और 10 लाख ही बच गया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? कोई मुनाफा नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, पर अपना जो साल भर का इन्वेस्टमेंट, खुद का परिश्रम, वो तो वेस्ट गया है ना। और काम करते करते कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, 10 लाख से शुरू किया और बाकी रह गया 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख ही, तब क्या हुआ? तब तो नुकसान ही हो गया, लॉस हो गया है ना। और कभी कभी 10 लाख में शुरू किया था और साल भर में हिसाब करते करते 40 लाख 50 लाख हो गया, तब क्या हुआ?
मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। हाँ, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो किस लिए करता है? हाँ, प्रॉफिट के लिए करता है या लॉस के लिए करता है, या मुझे 10 लाख में चलना है, बस एक साल में सिर्फ 10 लाख ही बचे, उसके लिए करता है, किस लिए करता है? प्रॉफिट के लिए ही करता है। हाँ, कोई भी लॉस के लिए नहीं करता, या 10 लाख में मुझे 10 लाख में ही साल भर खींच के 10 लाख ही बनाना है, जाते न को ज्यादा नहीं करके कोई काम करता है क्या? नहीं, वो 10 लाख का 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बनाने की कोशिश करता है। हर कोई मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करता है। समझ में आए ना? हाँ, ये हिसाब किताब, ये बिजनेस की बात तो बरोबर समझ में आता है। अभी हम अपने जीवन की बात करते हैं। ये जीवन, मनुष्य जीवन, दुर्लभ जीवन, प्राणी मध्य में सर्वश्रेष्ठ जीवन, और हम इंसान होके जन्म हुआ ना, हम सुगति में है। सुगति का मतलब बहुत ही पुण्यवान है, पुण्यवान व्यक्ति सुगति में आता है, पापी व्यक्ति तो दुर्गति में जाता है। तो हम सुगति में है तो हम पुण्यवान है कि नहीं? बहुत पुण्य करके आए तो हम ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में है, हम पुण्यवान है। तो हम 10 लाख यूज करके बिजनेस नहीं कर रहे, हम सारा ये पुण्यवान मनुष्य जीवन, ये दुर्लभ जीवन इन्वेस्टमेंट कर रहे जन्म से लेकर मृत्यु तक। और इस बीच में हमने ये भी किया, वो भी किया, ऐसा भी किया, वैसा भी किया, शरीर से भी किया, वाणी से भी बोला, मन से भी सोचा, अनेक अनेक कर्म करते 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 पूरा जिंदगी निकाला। अंत में हमारा मतलब पाप भी पुण्य भी वैसा वैसा रहा, और थोड़ा पुण्य ज़्यादा रहा, और हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ? वहाँ नुकसान नहीं है, फायदा भी नहीं है, पर ये पूरा पुण्यवान ये मनुष्य जीवन वेस्ट गया ना। मनुष्य जीवन से मनुष्य जीवन ही मिला। और यहाँ काम करते 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 बहुत सारे लोग गलत करते हैं, अकुशल करते हैं, अपराध करते हैं, पाप करते हैं, और वो पाप ज़्यादा होने से वो दुर्गति में पतन हो गया। जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग ऐसे दुर्गति में पतन हो गया। पूरा पुण्यवान ये मनुष्य जीवन हमने इन्वेस्टमेंट किया और पाप करके दुर्गति में पतन हो गया, तो हमें क्या हुआ? लॉस हो गया ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और पुण्यवान जीवन पता भी चला, दुर्लभ जीवन पता भी चला, बुद्ध मिला, धम्म मिला, संग मिला, उसको पाप धम्म कुशल अकुशल अच्छे से पता चला, तो जितना हो सके गलत पाप से दूर रहेगा और अच्छे पुण्य कार्य में आगे बढ़ेगा, और धम्म पुण्य करते 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 अंतिम समय में उसने पाप से ज़्यादा पुण्य बहुत ज़्यादा किया और वो सुगति में उत्पन्न हो गया। तब उसको क्या हुआ? लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो हमें लॉस चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए? नुकसान चाहिए कि फायदा चाहिए? पूरा ये दुर्लभ जीवन, पूरा ये पुण्यवान जीवन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे, जिंदगी चला रहे, और अंतिम समय में हमारा पाप ज़्यादा रहा तो हमारा लॉस हो गया। पाप और पुण्य इतना ही, थोड़ा पुण्य ज़्यादा रहा तो उतने ही हो गया, और पुण्य बहुत ज़्यादा रहा सुगति में गया तो हम प्रॉफिट में गया। तो हमें प्रॉफिट चाहिए कि लॉस चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के रास्ते में जाना चाहिए या लॉस के रास्ते में जाना चाहिए? प्रॉफिट के रास्ते में। अब प्रॉफिट का रास्ता कौन सा है, लॉस का रास्ता कौन सा है? जितने भी गलत है पाप है वो लॉस का रास्ता हो गया, जितना अभी कुशल है पुण्य है अच्छे है वो प्रॉफिट का रास्ता है। जैसे बिजनेस करने वाले हर साल हिसाब किताब मिलाते हैं कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वैसे ही हमें भी हर साल देखते जाना है कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, हम सुगति के रास्ते में है या दुर्गति के रास्ते में है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इतना पुण्यवान जीवन मिला है, पुण्यवान का मतलब पता है ना, बहुत पुण्य करके आए हैं, और पुण्यवान व्यक्ति कोई भी काम करता है ना, उसके पुण्य की
बदौलत वो अच्छे से सफल भी हो जाता है। भले ही वो अकुशल करे, भले ही वो पाप करे, वो पाप में भी सफल हो जाएगा। जितने ही ज्यादा पुण्यवान है वो अगर हिंसा में भी आगे बढ़ा ना, हो सकता है वो एक नंबर का डॉन भी बने। चोरी में आगे बढ़ा तो दुनिया के नंबर वन चोर भी बने। हाँ, हर चीज अकुशल पाप में भी वो नंबर वन बने। मगर वर्तमान समय में हम जो कर रहे हैं वो कुशल है या अकुशल है? अकुशल में हम नंबर वन बना तो हमारा फायदा है कि बेफायदा है? क्योंकि वो अकुशल है, वो पाप है, और पाप का परिणाम जो है वो अच्छा आएगा कि बुरा आएगा? बुरा ही आएगा, दुख ही आएगा, अशांति आएगा। और कोई व्यक्ति पाप करता है और बीच में अरे बाप रे मैंने तो पाप किया, अब मैं क्या करूं क्या करूं, वो डर के मारे कहीं भी छुप के बैठो। इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है, न पानी में, न जमीन में, न आकाश में, कहीं भी पाप से नहीं बच सकता। तो पाप में नंबर वन भी बना तो उसका भयानक दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। और पुण्य कार्य में आगे बढ़ा, दान देने में हो, शील पालन करने में हो, ध्यान भावना करने में हो, धम्म देशना सुनने में हो, धम्म चर्चा करने में हो, लोगों की सेवा करने में हो, अच्छे में आगे बढ़ा और उसमें सफल हो गया, तो पुण्य में सफल हो गया तो क्या होगा? उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, बहुत सारा पुण्य आएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये थोड़ा सा पुण्य करके क्या होगा, मैं एक बार में ज्यादा करूंगा करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे मौका मिले और जैसे मन में आए तुरंत करना चाहिए। पुण्य तुरंत नहीं किया ना, मन में तुरंत वो पाप उसको ढक देता है, मार उसको छुपा देता है, मतलब वो कर ही नहीं सकता। इसलिए पुण्य करने का मौका मिले या करने की इच्छा हो तो तुरंत करना चाहिए, बाद में नहीं बोलना चाहिए। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है, भगवान बुद्ध की वाणी है। और पाप भी ये थोड़ा सा पाप करके क्या होगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है ना, पाप भी बहुत ज्यादा दुख कष्ट का कारण बनता है। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, जितना हो सके पुण्य ही करना चाहिए, धम्म ही करना चाहिए, पुण्य रूपी संपत्ति अर्जन करना चाहिए। मुंबई में रहते हैं, हर दिन नहाते हैं, खुद के शारीरिक शुद्धि के लिए हर दिन नहाते हैं। हाँ नहीं नहाया, हाँ बास आ गया, हाँ पसीना हो गया, अरे नहाते भी नहीं, हर दिन नहाते, शारीरिक रूप से शुद्ध होते, पर ये मन में मैल जम गया तो कैसे साफ करेंगे? क्या नहा के साफ हो जाएगा? हाँ, या छाती में साबुन किसने से साफ हो जाएगा? नहीं, मन के मैल को नाश करने के लिए पुण्य रूपी साबुन से ही वो साफ हो जाता है। इसलिए जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा कल्याण है। तथागत बुद्ध कहते हैं इंसान को पुण्य करना चाहिए, बार बार पुण्य करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। सुख शांति का कारण यही पुण्य है। अगर हमें पुण्य सुख चाहिए, शांति चाहिए, अगर हमें यह दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, तो हमें ढेर सारा पुण्य करते जाना है। चाहे दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, जितना भी कुशल पुण्य जैसे जैसे मौका मिला या जितना जितना माहौल बना सके हमें पुण्य करते 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 जाना है। एक दिन तो मरना ही है, हर कोई यहाँ मरता ही है। मरने के बाद आपने कितना डिग्रियां हासिल किया कोई भी आपको साथ देने वाला नहीं है। आपने कितना धन संपत्ति कमा के रखा, कितने बैंक बैलेंस इकट्ठा करके रखा, वो भी साथ देने वाला नहीं है। आपने कितना परिवार इकट्ठा करके रखा, वो भी साथ देने वाला नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाना है, साथ में जाएगा तो कम्म, जो हमने कम्म करके रखा वही हमारे साथ साथ निकलेगा। शरीर से जो करते, वाणी से जो बोलते, मन से जो सोचते, वही कर्म बनता है। और अच्छे कर्म किया तो हमेशा ये परछाई की तरह सुख शांति देता रहेगा,
और बुरा कम किया तो बैलगाड़ा के पीछे पीछे आने वाले एकदम पारी भरकम चक्के की तरह दुख पीछे पीछे आता रहेगा। तो हमें दुख चाहिए या सुख चाहिए, शांति चाहिए या अशांति चाहिए। पुण्य करेंगे तो अभी भी सुख, बीच में भी सुख शांति, अंत में भी सुख शांति। पाप करेंगे तो अभी भी दुख अशांति, बीच में भी दुख अशांति, अंत में भी दुख अशांति होता ही है। हाँ, ये तथागत बुद्ध की वाणी है और ये समाज में, परिवार में, यहाँ वहाँ सब जगह यही चलता है। पाप करके बाहर से मेरे पास धन संपत्ति है, गाड़ी बंगलो है, कितना भी देखे, अंदर झांकेंगे ना इतना दुखी, इतना परेशान, हाँ, कि हो सकता है वो सोने के लिए टैबलेट लेके सोना पड़े, हमेशा डर त्रास भय है ना। इसलिए पुण्य करना चाहिए, सुख शांति का उपाय दूसरा नहीं है, पुण्य करना है, तमय करना है। उसके लिए जितना हो सके माहौल बना के पुण्य करते करते जाना है, और हो सके तो इतना पुण्य करना चाहिए, इतना पुण्य करना चाहिए कि एक तरह से ये भी हमारे लिए एक आदत ही बन जाए। हाँ, एक बार आदत बन गया, पुण्य करने का आदत बन गया, हाँ, तो चाहे न चाहे हम पुण्य करते रहेंगे। अब ये भी तो हमारा ही पुण्य है ना कि कब से अपने घर में बंते जी आते हैं, और बंते जी आते हैं तो इतना अपनापन हो गया, मौका मिलते ही आते रहते। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं जो चाह के भी बंते लोगों को बुला नहीं पाते, बंते लोगों का वो समय नहीं मिलता। हाँ, तो ये हमारा पुण्य ही है। तो ऐसे पुण्य का माहौल, ऐसे पुण्य करने का इन्वायरमेंट हमें बनाते जाना चाहिए, ताकि हम चाहे न चाहे ऐसा पुण्य होता रहे। इसी में हमारा कल्याण है। तो हम यही कामना करेंगे कि हम भी जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते खूब कुशल पुण्य कर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये रामदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।